कहाँ जा रहे हैं? कालिंका। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? कालिंका मंदिर। कालिंका मंदिर कहाँ जा रहे हैं? कालिंका माता के दर्शन करने। कालिंका माता की जय। जय बोला दी। आज हम कुमाऊं और गढ़वाल के बीच स्थित माँ काली के भव्य मंदिर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे एक समाज है, समूह है जिन्हें बडेरिया बोलते हैं। उन बडेरियों का ये मंदिर बोला जाता है। बाकी का इतिहास आपको ऊपर पहुँच के बताएंगे यहाँ के लोगों द्वारा, यहाँ के जितने भी जानकार हैं कि इसका क्या इतिहास रहा है। चलिए, जय कालिंका माँ। देवी देवताओं के इस उत्तराखंड की भूमि पर ऐसे कई अनगिनत किस्से और कहानियां हैं जिसे हम लोग आज भी अपरिचित हैं। पौड़ी गढ़वाल और कुमाऊं के बीच ये स्थित कालिंका मंदिर अपने आप में एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला मंदिर है जिस पर लोगों की गहरी आस्था है। माँ भगवती के इस मंदिर के बनने की कहानी भी अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। कहा जाता है कि नेपाल के गोरखाओं ने जब कुमाऊं और गढ़वाल पर अपना आतंक मचा रखा था तो उनके आतंक से तंग आकर लोग अपने परिवार को बचाने के लिए जंगलों में इधर उधर भटकने लगे। उन्हीं में से एक बडेरियों के पूजनीय लैली बूबा जी अपने परिवार को बचाने के लिए पाखा पौड़ी नाम की जगह पर आ पहुँचे जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। वहाँ उन्होंने चट्टान को काटकर अपने परिवार को बचाने के लिए एक गुफा बनाई और वो उस गुफा से ही कई दिनों तक गोरखाओं से लड़ते रहे। लैली बूबा जी माँ भगवती के भक्त थे। कहा जाता है कि एक दिन माँ भगवती ने लैली बूबा जी को सपनों में दर्शन दिए। माँ भगवती को सपनों में देख लैली बूबा जी ने माँ भगवती से अपने परिवार को बचाने की प्रार्थना की। इस पर माँ भगवती ने लैली बूबा जी को आशीर्वाद दिया और कहा यदि वो किसी ऊँचे स्थान पर उनके मंदिर का निर्माण करे तो वो जब भी माँ भगवती को सच्चे मन से पुकारेगा तो माँ भगवती उसके परिवार की स्वयं रक्षा करेगी और इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करेगी। इस पर लैली बूबा जी ने गुफा से कुछ दूर बंदरकोट नाम की जगह पर एक थान बनाया। मंदिर को स्थानीय भाषा में थान कहा जाता है और वहीं पे माँ भगवती की पूजा अर्चना करने लगे। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। एक तरह से ये गोरखाओं के आतंक का अंत था।
लोग जंगलों को काटकर धीरे धीरे वहीं बसने लगे। गुफा से निकलकर लैली बूबा जी का परिवार भी पास ही बांदरकोट नाम की जगह पर रहने लगा। मगर इस बीच बूबा जी गोरखाओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए, मगर माँ भगवती की कृपा बूबा जी के परिवार पर और इस क्षेत्र पर बनी रही। कहा जाता है कि माँ भगवती ने एक बार फिर अपने किसी प्रिय भक्त को दर्शन दिए और अपना स्थान बदलकर वर्तमान जगह पर जहाँ मंदिर आज है वहाँ बनाने का आदेश दिया और इस तरह मंदिर का निर्माण होता रहा और बडारियों पर माँ भगवती की कृपा बनी रही। आज बडारी समाज कुमाऊँ और पौड़ी गढ़वाल मिलाकर 16 गाँव के क्षेत्र में विकसित है और उनकी 14वीं पीढ़ी फल फूल रही है। 3 साल में एक बार होने वाला मेला, जिसे स्थानीय भाषा में कौथिक बोलते हैं, अपने आप में एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कौथिक है। क्या हुआ था? दो लोग आए थे। अरे ये तो अंग्रेज से पहले की बात है बाबू। हाँ तो दो लोग आए थे, फिर क्या हुआ? एक ही आया। अच्छा, फिर तो उसने 13 अभी इस समय 14 गाँव है। अच्छा, उस समय 7 गाँव तो उसके पूरे हैं। तो 7 गाँव में उसने जो है और गाँव में अपने किसी को बेटी देकर किसी को बसा कर और अन्य जात जो है उस बिडरी ने यहाँ पर बसा रखी। अच्छा, फिलहाल 14 गाँव है पूरे बड़ियारी लोग। वो तो बडेरियों का है। ये तो मंदिर ही बडेरियों का है। हाँ। देवी कुल देव बडेरियों के है और तो सर्वशक्ति तो सबके लिए है। तो बाकी उन बडेरियों ने बना दिया, कुछ तो वजह रही होगी ना बनाने की। बनाने का अपना देवता के लिए मैं भी तो बना रहा हूँ। नहीं, वो ऊपर लिखा हुआ है कि कोई आया था उसको। हाँ तो ललित गुड्डा आया था, उसके 7 लड़के थे। बात कर रहे हूँ, 7 गांव तो उसके पहले थे पूरे गांव। उस जमाने में कोई और तो नहीं रहा होगा। और ये गाँव वो और तो नहीं थे, और उसी ने और लोगों को बसाया। यहाँ मोर है, रणगढ़ी है और मोर ने ये सब उन्होंने अपनी लड़की देकर इधर उधर सब बसाया। अरे ये पूरा बरेली का है, कुछ गढ़वाल में है गाँव और कुछ कुमाऊँ में है। मंदिर है अल्मोड़े में, दुकान में है ये वाला। हाँ, मंदिर उधर तो गढ़वाल हो गया। हाँ, गढ़वाल भी है। ये रह के पर ये गेट का आता है गढ़वाल में। ये गेट ही गढ़वाल, ये सब पूरा गढ़वाल है। देखा है गढ़वाल इधर कुमाऊँ हो गया, ये सब हो गया, ये बीच में हो गया मंदिर। तो ये तो अंग्रेज से पहले जमाने में लगा लो कितने साकी हो गए होंगे, जिसके इतने गांव हैं, 14 गांव, 7 लड़के हैं उसके। तो 7 गांव तो पूरे ही हैं। अब 7 गांव में कोई वहां चला गया, कोई वहां चला गया, इस समय फिलहाल 14 गांव हैं। ठीक है, कृपा हो। उत्तराखंड के इस बडारियों के इस भव्य मंदिर से दर्शन करने के बाद हम अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए, घर की ओर निकलते हुए, आकर बहुत अच्छा लगा। आप कभी रामनगर से आगे पहाड़ों की तरफ कभी आएँ तो किसी से पूछें कालिंका मंदिर द्वारा, कालिंका मंदिर किस जगह है, और उसके दर्शन के लिए आएँ। पहाड़ों में कई जगह कई मंदिर आपको मिलेंगे, बट कुछ ऐसे मंदिर होंगे जिनका अपना अलग इतिहास है और उन लोगों उस मंदिर पे वहाँ के लोगों की जो आस्था है वो अटूट है। धन्यवाद।